सरकार से मंत्री आसिम खान को बर्खास्त करने को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा है और केजरीवाल के विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश में हैं। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट विधायक पंकज पुष्कर से बात की हमारे संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी ने। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया है। आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख की घूस लेने का आरोप है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर जी हैं। तो पंकज जी, आप बहुत बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं पार्टी के तमाम नीतियों पर और मुद्दों पर, क्या कहेंगे जो ताज़ा मामला सामने आया है? मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार दरअसल जितना गहरा मामला है वो एक दो आदमियों को शहीद कर देने से हल होगा नहीं, एक दो सर्जरी से ठीक होगा नहीं, लंबा इलाज चाहिए। आज मुझे याद आता है कि दिल्ली का लोकपाल नहीं है अभी तक, पार्टी में लोकतंत्र लोकपाल नाम की संस्था हुआ करती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, कमज़ोर पड़ गई। हम किसी एक दो लोगों को सजा देकर बर्खास्त करके इस गंभीर बीमारी का इलाज कर नहीं सकते। मैं ये भी इस मौके पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अरविंद भाई को, हमारे CM साहब को, कुछ प्रशांत जी और हम लोगों की कही हुई बात किस्तों में समझ में आ रही है और बहुत देर से समझ में आ रही है। बेहतर होता है इस बात को पूरा समझते और समय से समझते, जल्दी समझते। एक संकेत, यहाँ एक बात बार बार जो जहन में आती है कि आज भी अरविंद केजरीवाल ने जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे के अंदर वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने दावा भी किया और यहाँ तक कहा कि अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसको भी राहत नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं का जो चरित्र सामने आ रहा है बार बार, ये बहुत विरोधाभास पैदा करता है। ये थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी ज़्यादा अपना चादर साफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये यकीनन एक मुश्किल काम है, कहना चाहिए मुश्किल काम है, लेकिन कोई अचानक सामने नहीं आ गया। कम से कम 6-8 महीने पहले जब ये पार्टी चुनाव में हम उतर रहे थे तब बहुत ध्यान दिलाया गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दागी हैं, पर्याप्त जाँच नहीं की गई। जो 2-2 महीने पहले भ्रष्ट, जिनका रिकॉर्ड रहा है, ऐसी पार्टियों में रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार आम व्यवहार है, उनसे लोगों को इम्पोर्ट किया गया, ज़बरदस्ती लाया गया, जिताऊ कैंडिडेट के नाम से लाया गया, और आज ये कहना कि अचानक हमें पता लगा और हमने 24 घंटे में कार्रवाई की गई, एक पाखंड है। आप जीतने के दबाव में गलत आदमी को ले लेते हैं और फिर बाद में जब हम बबूल का पेड़ बोके आम की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज पुष्कर जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गहराई से सोचना होगा कि पार्टी कहाँ खड़ी है, किस दिशा में जा रही है। पंकज जी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी मौजूदा दौर में ऐसा लगता है कि अन्य पार्टियों से कतई अलग नहीं है, और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, किसी एक भ्रष्ट आदमी को या किसी एक मंत्री जिस पर आरोप लगा हो उसको हटाने से अलग थलग पार्टी नहीं दिखती। अगर वाकई दामन साफ दिखाना है तो विचारों के स्तर पर, बुनियादी सवालों के स्तर पर एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। कैमरामैन जुगल किशोर के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।